हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल फाइल के बारे में। जैसे कि स्पेशल फाइल में हमारी बहुत सारी फाइल आती हैं, जिसमें से कुछ फाइलें रह गई थी वो भी हम आज कवर कर देंगे। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू चैप्टर कवर कर लेते हैं, ये आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला चैप्टर है। और जो फाइल में आपके कनेक्टिविटी ऑफ फाइल क्या होता है, पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है, जो स्पेशल फाइल के कुछ पॉइंट रह गए थे वो हम इसी वीडियो में लास्ट में आपको फिनिश कर देंगे। जैसे क्या होगा, जो आपका कल रह गया तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एक आपका न्यू चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी कोण की इकाई, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बताइएगा कि कोण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है और कोण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल में यहाँ सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर एंगल की कभी भी यूनिट पूछा जाए, ठीक है, तो लार्ज एंगल पूछे या स्मॉल एंगल, या हम हिंदी बोले तो सबसे बड़ी इकाई कोण की क्या होती है, रेडियन, ठीक है, रेडियन होती है। और बताइए एक रेडियन का मान कितना होता है, ये आप लोग बताइए। और दूसरा, सबसे कोण, अगर कोण की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो उस होती है सेकंड, ठीक है। अगर कोण की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, सेकंड। और कोण की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, रेडियन। और एक रेडियन का मान बताइए 57.3 डिग्री, ये आपका रेडियन का मान होता है। तो ये आप लोग को याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोणीय मान के लिए पूरे वृत्त को 360 समान भाग से विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक भाग को एक अंश डिग्री में कहते हैं। जो बेवल प्रोटेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बेवल प्रोटेक्टर की रेंज कितनी होती है। तो बेवल प्रोटेक्टर हमारा अर्धवृत्त तो यहाँ पर ऐसे चांदा के रूप में होता है, जैसे आप लोग ने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा होता है ये कितने का डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमारा 180 डिग्री का बनाता है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि बेवल प्रोटेक्टर रेंज कितनी होती है। ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 0 से 180, 0 से 90, है ना, 0 से 360। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 0 से 360 लगा देते हैं। नहीं, क्या ये गोल है? जब गोल नहीं है तो फिर 360 कैसे होगा? बेवल प्रोटेक्टर तो हमारा अर्धवृत्त होता है, ये आप फिगर में भी देख सकते हो। तो इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 180। ये देखिए आप, 0 से 180 इसकी बेवल प्रोटेक्टर की रेंज होती है, ये हमने बताया। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो प्रत्येक एक भाग होता है, प्रत्येक एक भाग को क्या कहते हैं, एक डिग्री कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक का एक भाग है, यहाँ पर क्या हमारा एक डिग्री, प्रत्येक एक भाग हमारा यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आप पूछे एग्जाम में कि बेवल प्रोटेक्टर किस प्रकार का टूल है, प्रत्यक्ष मापी टूल है या प्रत्यक्ष मापी टूल है, तो क्या बताओगे आप कि बेवल प्रोटेक्टर हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है। पहचानने का तरीका आसान, जिस पर भी ग्रेजुएशन दिया हो, है ना, वहाँ पर हमारा वो प्रत्यक्ष मापी टूल होता है। किसी कोण के उपभाग सूक्ष्म कोणीय मापन के लिए एक अंश को पुनः 60 समान भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक डिग्री को कितने 60 भागों में बांटा जाता है, फिर से सुनिएगा, सूक्ष्म कोणीय मापन के लिए एक अंश को, एक डिग्री को पुनः 60 भागों में बांटा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि एक डिग्री में आपको पता है कितने मिनट होते हैं, एक डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, है ना। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अधिक कोणीय परिशुद्धता के लिए एक डिग्री को समान भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अधिक कोणीय परिशुद्धता के लिए हम क्या करते हैं, एक डिग्री को क्या करेंगे, समान भागों में बांटेंगे, और एक भाग का मान कितना होता है, एक मिनट होता है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको हमने बताया था ना कि एक डिग्री होता है, तो अब एक डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब रीडिंग निकालते हो वहाँ पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उप सब डिवीजन के बारे में बताया है, एक डिग्री बराबर 60 मिनट जो हमने अभी आपको बताया, और एक मिनट बराबर 60 सेकंड जो कि हमने बताया था कि कोण की सबसे छोटी इकाई होती है, क्लियर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोण की सबसे छोटी इकाई क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है कोणीय मापन यंत्र अर्ध सूक्ष्म मापन यंत्र के बारे में क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं।
कोण की जांच करने वाले सर्वसाधारण यंत्र निम्नलिखित हैं, ठीक है। हम जिन टूलों से भी इंस्ट्रूमेंट से कोण चेक करते हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे बेवल गेज है ना, सार्वभौमिक बेवल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि निमी है तो शुद्ध हिंदी देगा ये, है ना। तो आपको जिसे आप ट्रॉयल वगैरह पढ़ते हो उसकी लैंग्वेज बोले तो इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल बेवल गेज। ये क्या हमारा बेवल प्रोटेक्टर या बेवल चांदा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फिगर आपको दे देता है और आपको बताना है कि कौन सा है। अब ये आपको फिगर दे देगा और एग्जाम में पूछेगा बताइए क्या, ये हमारा बेवल गेज है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज है। अब डिफरेंस कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा है, इसमें हमारा दो ब्लेड होता है, इसमें स्टॉक आपको नहीं दिखेगा। इस यूनिवर्सल बेवल में क्या होता है, इसमें आपको एक स्टॉक देखने को मिल जाएगा, है ना, इसमें कहीं आपको स्टॉक दिख रहा नहीं। तो यही आप समझ लीजिएगा कि या आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें दो पत्तियां होती है, इसमें तीन पत्ती होती है, और लिस्ट काउंट वगैरह आपको पता है ना कितनी होती है, बताइए बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। बेवल प्रोटेक्टर की अगर एग्जाम पूछेगा बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है बताइएगा। तो बेवल प्रोटेक्टर के बारे में क्या है, बेवल प्रोटेक्टर कोणीय मापन का प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, इसमें 0 से 180 डिग्री में ग्रेजुएशन होते हैं। तो 0 से 180 डिग्री में क्या होते हैं, इसमें ग्रेजुएशन होते हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल करते हुए 1 डिग्री की परिशुद्धता में कोण को मापन किया जाता है। मतलब कि बेवल प्रोटेक्टर से हम 1 डिग्री की कोण में हम मापन करते हैं, 1 डिग्री की शुद्धता में। तो बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। एक बुक में वो 5 मिनट दे रखा है तो वो गलत दे रखा है कि बेवल प्रोटेक्टर लिस्ट काउंट 5 मिनट होती है, वो गलत है, 1 डिग्री होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेवल गेज के बारे में। बेवल गेज क्या होता है, बेवल गेज सीधे किसी कोण को नहीं माप सकता। बेवल गेज क्या है, किसी भी कोण को सीधे नहीं माप सकता। तो इसलिए हमारा बेवल गेज क्या होगा, अप्रत्यक्ष मापी टूल होगा। कैसा टूल होगा हमारा, अप्रत्यक्ष मापी टूल होगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि बेवल गेज किस प्रकार का मेजरिंग टूल है, ये हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है। किसी भी टूल में अगर ग्रेजुएशन नहीं दिया है तो वो हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है। या फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी टूल से, किसी मेजरिंग टूल से अगर हम सीधे माप नहीं ले सकते हैं तो वो हमारा फिर क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष मापी टूल कहलाता है। जैसे कि बेवल गेज क्या है हमारा, एक अप्रत्यक्ष कोणी मापन यंत्र है, इसमें कोणों को सेट कर लिया जाता है और इसे बेवल प्रोटेक्टर द्वारा मापा जाता है। जैसे कि हम आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आउटसाइड कैलिपर से किसी बाहरी जाप को हम मापते हैं, बाहरी बेलनाकार पाइप को मान लीजिए माप लिया, फिर हम चेक करेंगे जाके किसे, स्टील रूल से जाके चेक करेंगे। तो स्टील रूल हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष मापी टूल। और इसी प्रकार इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर क्या होता है हमारा, अप्रत्यक्ष मापी टूल, क्योंकि इसके द्वारा हम तो किसी जॉब का हमने साइज ले लिया और फिर उसको चेक करते जाके स्टील रूल से कि इसका प्रॉपर साइज कितना है। वैसे ही बेवल गेज से हम किसी जॉब का एंगल सेट कर लेते हैं ना, कोण को सेट कर लेंगे और फिर हम जाके बेवल प्रोटेक्टर से उसको जाके चेक करेंगे कि हाँ इसका इतना एंगल है, है ना। तो किसी अन्य टूल की जब भी सहायता ली जाए किसी मेजरिंग टूल के द्वारा मापने के लिए तो वो हमारा अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। कॉम्बिनेशन सेट की लिस्ट काउंट अगर पूछा जाए, कॉम्बिनेशन सेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में हमारे 3 हेड होते हैं, एक होता है आपका सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड। तीनों हेड के फिगर के बारे में आपको समझना है तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका इसमें स्क्राइबर वाला भाग कहाँ पर होता है, जी आपको बताना है। तो ये वाला भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग स्क्राइबर कहलाता है। एग्जाम में आपको निमी के क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन मिलेगा कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम स्क्राइबर कहते हैं। कभी भी स्प्रिट लेवल से क्वेश्चन पूछेगा तो इस, ये जो आपका रेडियस में बना इसके अंदर आपका स्प्रिट लेवल होता है जो लेवल चेक करता है ना। इसमें हमारा
ऑयल भरा होता है ना, तो वो यहाँ पे तेजाब वगैरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑयल यहाँ पे भरा होता है। आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑयल भरा होता है। तो स्प्रिट लेवल का काम होता है ऑयल, इसमें एक बुलबुला कार्य करता है, काफ़ी इसका यूज होता है। तो स्प्रिट लेवल का पूछा जाता है कहाँ पर किस हेड में लगा होता है, तो स्प्रिट लेवल हमारा स्क्वायर हेड में लगा होता है। ये हमारा स्क्वायर हेड है, ये हमारा कौन सा हेड है, ये हमारा प्रोटेक्टर हेड है, ये हमारा कौन है सेंटर हेड है ना। ये क्या है किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालेगा। अब इसमें क्या है स्क्वायर हेड से क्या काम करते हैं, 45 और 90 डिग्री में मार्किंग करते हैं। ये 45 डिग्री का आप एंगल देख रहे होगे, ये 45 डिग्री में एंगल बन रहा है, इधर हमारा एक 90 डिग्री में एंगल बनता है। ठीक है, तो दो एंगल में इसमें हम मार्किंग करते हैं। अगर इसका आप स्प्रिट लेवल पूछा जाएगा तो आप बताओगे यहाँ पर आपका स्प्रिट लेवल होता है। स्क्राइबर कभी भी पूछा जाएगा तो आप बताओगे यहाँ पर आपका स्क्राइबर आपको शो किया गया है, आप स्क्राइबर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा स्क्वायर हेड होता है इसमें हमारा कौन सा स्क्राइबर यूज किया जाता है, तो इसमें हम नोब स्क्राइबर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, हम नोब स्क्राइबर यूज करते हैं। इस स्क्राइबर का क्या नाम है, नोब स्क्राइबर इसका नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया। चलिए इसके थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन सेट विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जा सकते हैं, जैसे कि लेआउट हेतु, कोणों के मापन हेतु जांच। देखिए कॉम्बिनेशन सेट से हम कोणों के माप भी कर सकते हैं, उनको हम चेक भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट से जैसे कि 90 डिग्री चेक करना हम चेक कर सकते हैं, कोणों को माप सकते हैं बिल्कुल, सेंटर प्रोटेक्टर हेड से माप सकते हैं बिल्कुल, हम मार्किंग कर सकते हैं है ना, लेआउट कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग द सेंस जैसे हमें 90 और 45 पे मार्किंग करना उस हिसाब से। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट के कौन कौन से भाग होते हैं, तीन हेड होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा हेड नहीं होता है तो वहाँ पे वो ऑप्शन देता है। ठीक है, एक अलग से आपको हेड दे देता है। तो कॉम्बिनेशन सेट के यहाँ पे मुख्य भाग दिया है कि स्क्वायर हेड, आपका सेंटर हेड, रूल, और यहाँ पे एक आपको प्रोटेक्टर हेड भी इनको दिया होगा, यहाँ पे आपको दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फिगर के बारे में हो गया, डिटेल में भी आपको दिया गया होगा प्रोटेक्टर हेड के बारे में। प्रोटेक्टर हेड क्या होता है, प्रोटेक्टर हेड का इस्तेमाल किसी भी परिशुद्धता में कोण को मापने एवं निशान लगाने के हेतु किया जाता है। तो प्रोटेक्टर हेड का यूज कहाँ किया जाता है, तो प्रोटेक्टर हेड की लिस्ट काउंट अगर पूछेगा तो 1 डिग्री। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज हम कोणों को मापने में करते हैं और निशान लगाने के हेतु करते हैं। जैसे कि हम लोग करते थे कि बेवल यहाँ पे प्रोटेक्टर रखे थे और निशान लगाते थे कि हम इस यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, फिर हम क्या करते थे स्केल से ऐसे लाइन खींच देते थे तो हमारा एंगल बन जाता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हेड से यहाँ पे कोणों को मापेंगे और निशान यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जो प्रोटेक्टर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड का उपयोग 1 डिग्री तक की शुद्धता में मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है, और निशान हेतु लगाया जाता है, जो कि मापेगा और क्या करेगा, निशान भी लगाएगा। जॉब को क्षैतिज तल में सेट करने के लिए, जॉब को क्षैतिज तल में सेट करने के लिए स्प्रिट लेवल का उपयोग होता है। जो हमने बताया था कि आपको स्प्रिट लेवल का जो यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है ना, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जब जॉब को क्षैतिज सेल में, जैसे वर्टिकल हो गया आपका ऊर्ध्वाधर है ना, क्षैतिज हो गया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जब हम सेट करते हैं किसी जॉब को तो स्प्रिट लेवल वहाँ पर उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ पर लेवल चेक करते हैं। तो लेवल का मतलब जहाँ जिधर नीचे होगा तो फिर वो बुलबुला उस तरफ होता है, तो वो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर स्प्रिट लेवल का कितना यूज होता है। आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्टर हेड में ये चीज़ बताया है कि प्रोटेक्टर हेड में आपका यहाँ पर स्प्रिट लेवल उपयोग होता है। इसका मतलब ये है कि आपका स्क्वायर हेड में भी आपका यहाँ पर स्प्रिट लेवल प्रयोग किया जाता है। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आपका यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड है ना, प्रोटेक्टर हेड में भी आपका स्प्रिट लेवल प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने बताया है तो बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्क्वायर हेड क्या होता है, स्क्वायर हेड पटरी से एक मापन फलक मतलब 90 डिग्री पर और दूसरा 45 डिग्री, जैसा कि हमने बताया था ना, इसे 90 डिग्री में और 45 डिग्री में, बस दो एंगल में इसमें काम होता है, बाकी अगर किसी अन्य एंगल में काम है तो हम प्रोटेक्टर हेड से यूज करेंगे। इसका उपयोग हम 90 और 45 के कोणों को निशानन लगाने एवं परीक्षण करने के लिए, परीक्षण मतलब चेक करने के लिए, अगर हमें किसी जॉब का एंगल चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। तो हम केवल 90 और 45 डिग्री की कोणों की मार्किंग करने और उसका चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर हेड का यूज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसका उपयोग निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने एवं खांचे की गहराई को मापने में भी किया जा सकता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा तो बताइए कि निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने एवं खांचे की गहराई को मापने के लिए किसका यूज करता है, स्क्वायर हेड आपका, तो कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड का प्रयोग किया जाता है, तो स्क्वायर हेड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में फिर से ध्यान से सुनिए क्या पूछेगा कि किस निर्मित वस्तु को, कोई बनी हुई, कोई बना हुआ जॉब है ठीक है, उसको मशीन पर सेट करने, हमने मशीन पर सेट कर दिया, अब उसकी जो खांचे की गहराई है उसको मापना है, तो किसी जॉब की खांचे की गहराई अगर मापना है तो वहाँ पर हम स्क्वायर हेड का यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटर हेड है, यह पटरी की दिशा में होता है और इसका प्रयोग बेलनाकार जॉब के केंद्र का पता लगाने के लिए करते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताइए सेंटर हेड का प्रयोग क्या है, तो सेंटर हेड का हमने बताया था कि आपको इसी जॉब का केंद्र पता लगाया था, किसी भी बेलनाकार जॉब है उसका सेंटर पता लगाने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हो, ये हमारे फिगर का है, किस चीज़ के हैं आप समझ रहे हो, किस चीज़ के फिगर हैं, एक हमारा फिगर तो आप ये समझ गए होगे, ये सेंटर निकाला जा रहा है, क्या है ये हमारा सेंटर हेड है ना, किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर हेड निकाला जा रहा है। एक लाइन आप 45 डिग्री देख रहे होगे और एक लाइन हमारी 90, तो ये हमारे स्क्वायर हेड है, ये भी हमारा स्क्वायर हेड है, ये भी हमारा स्क्वायर हेड है ना, तो इसमें हमारे दो तीन स्क्वायर हेड के फिगर दिया है और एक हमारा सेंटर हेड का। इधर आपका बेवल यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर हेड का फिगर दिया गया है जो कि 0 से 180 डिग्री में यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटेक्टर हेड के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया और सेंटर हेड के बारे में पढ़ लिया है ना, स्क्वायर हेड के बारे में पढ़ लिया, इन सभी के बारे में जान लिया। तो एग्जाम में पूछेगा तो स्प्रिट लेवल किस में यूज नहीं किया जाता है, तो स्प्रिट लेवल हमारा किस में यूज नहीं किया जाता है, हमारा सेंटर हेड में यूज नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग में स्प्रिट लेवल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेंटर हेड में प्रयोग नहीं किया जाता, किस में करते हैं, स्क्वायर हेड में करते हैं और प्रोटेक्टर हेड में करते हैं। किस हेड में, कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड में स्क्राइबर का यूज करते हैं, तो स्क्वायर हेड में, स्क्वायर हेड में हम स्क्राइबर का यूज करते हैं, और कौन से स्क्राइबर का यूज करते हैं, नोब स्क्राइबर का यूज करते हैं ठीक है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन सेट के फंक्शन के बारे में बताया। अगर लीस्ट काउंट पूछेगा तो कॉम्बिनेशन सेट की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। अगर ये रूल जो है, ये आपकी रूल किसकी बनी होती है, तो जैसे कि हमारी स्टील रूल होती है, जिस मटेरियल की बनी होती है स्टेनलेस स्टील रूल की, वो ये भी हमारा इसी टूल का बना होता है, रूल की बात कर रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे, हमारा यहाँ पर हो गया है और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या, उत्तम परिणाम के लिए कॉम्बिनेशन सेट को उपयोग के पश्चात अच्छी तरह से साफ करना चाहिए तथा उसे उपयोग तथा भंडार के समय कटिंग टूल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो आपको पता भी है कि मेजरिंग टूल को कटिंग टूल के साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर FPS, CGS, MKS, SI के बारे में है ना, तो ये आपका फिर इसके बाद आपका चैप्टर आ जाएगा सरफेस गेज, तो इसको हम यहाँ पे कवर करा देते हैं। यूनिट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट एक इकाई एक प्रकार की मानक तथा स्थिर मात्रा को मापने के लिए प्रकार की अन्य मात्रा को परिभाषित किया जाता है। इसमें कुछ समझने की बात है, बिल्कुल नहीं है, याद करने की क्या बात है वो हम आपको आगे बता देते हैं ठीक है। मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, बुनियादी मात्रक इकाई लंबाई द्रव्यमान तथा समय है। व्युत्पन्न इकाई कौन सी होती है, बुनियादी इकाई में से निकाली जाती तथा मौलिक इकाइयों से स्थिर संबंधित रहती, उदाहरण क्षेत्रफल आयतन दबाव बल। देखिए सिंपल से याद रखिए, जो हमारी मूल इकाई होती है कितनी होती है, मूल इकाई आपकी कितनी होती है, मूल इकाई आपकी 7 होती है, और जिस भी इकाई की जिस भी मूल राशि का यूनिट 1 है वो हमारा मूल इकाई में आता है, ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। अब आप यहाँ पर क्षेत्रफल का यूनिट निकालोगे तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसमें हमारा 2
राशियाँ आ गई, लंबाई गुणते चौड़ाई, या आप बोल सकते हो दो मीटर गुणते मीटर, है ना। तो जहाँ पर भी एक हमारी यूनिट आएगी, जिस भी यूनिट आएगी, तो समझ जाइए कि वो हमारी वो क्या है, फंडामेंटल डिवीजन है, वो हमारा कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि द्रव्यमान की एक हमारी यूनिट है, द्रव्यमान मान लीजिए हमारा यहाँ पर द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम, है ना, अलग अलग होगी, पाउंड होगी। समय क्या है हमारा, सेकेंड। लंबाई क्या है, मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकाई प्रणाली, ठीक है। इकाई प्रणाली फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में समझ लीजिए। FPS प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है। तो सबसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए FPS, FPS किस प्रकार की प्रणाली है, FPS किस प्रकार की प्रणाली है। तो FPS हमारी किस प्रकार की प्रणाली है, ये हमारी एक ब्रिटिश प्रणाली है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई हमारी प्रणाली है FPS पद्धति। FPS यहाँ पे इसका फ्लो हम बताएंगे तो हम एफ यहाँ पे क्या बताएंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे हमारा फुट होगा FPS के अनुसार, और यहाँ पे पी के अनुसार, मतलब पी क्या है हमारे, पाउंड है। तो द्रव्यमान का यहाँ पे मात्रक क्या होगा, पाउंड, FPS पद्धति में, और समय का मात्रक सेकेंड। एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सभी प्रणाली में किस राशि का मात्रक सेम रहता है। तो सभी प्रणाली में हमारा समय राशि का मात्रक जो है सेम रहता है, सभी प्रणालियों में समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। तो कभी भी पूछे कि हमारा मूल इकाई अगर पूछता है, ठीक है, बेसिक यूनिट पूछता है लंबाई की, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई की मूल इकाई बताइए। कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या होती है, मूल इकाई पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा, बेसिक यूनिट क्या होती है। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या होती है, बेसिक यूनिट आप लोगों को बताना है, बताइएगा पब्लिक कमेंट में, ठीक। पब्लिक कमेंट जहाँ पे आप लोग लाइव चैट बंद हो जाते हैं वहाँ पर। CGS प्रणाली क्या होती है, CGS प्रणाली यह एक मेट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय की बुनियादी, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। MKS प्रणाली क्या होती है, यह एक मेट्रिक प्रणाली है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय बुनियादी, लंबाई का मात्रक मीटर, और यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ये हमारा MKS प्रणाली हो गई। SI प्रणाली क्या है, SI इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों से निर्दिष्ट की जाती जो कि अन्य मेट्रिक प्रणालियाँ हैं तथा इसकी बुनियादी इकाइयों, उनके नाम तथा चिन्ह टेबल संख्या एक में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है, इनको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये हमारी क्या है, मूल इकाइयाँ। कौन कौन सी मूल इकाइयाँ होती हैं, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, करंट होती है, ताप होता है, प्रकाश की तीव्रता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका कौन सा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे हो सकता है रेडियन का नहीं दिया हो, है ना, कोण का मात्रक, कोण का यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो एक और आप पे नहीं दिया है, लेकिन वो भी होता है, 7 होती है मूल मात्रक। तो मात्रक आपको याद रखना है, एग्जाम में मात्रक पूछ लेता है, प्रकाश की तीव्रता पूछ सकता है, तो मात्रक क्या बताओ, कैंडला। प्रकाश की तीव्रता को हम क्या लिख सकते हैं, ज्योति तीव्रता। तो अगर मात्रक पूछा जाए ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, तो क्या बताओगे, कैंडला, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ताप का मात्रक अगर पूछा जाए एग्जाम में, ताप का मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक हमारा केल्विन होता है। ये सारे सभी मात्रक क्या होते हैं, SI मात्रक सारे होते हैं, कैंडला भी हमारे SI मात्रक होता है, सेकेंड हमारे किलोग्राम, ये मीटर, ये सारी क्या SI मात्र है। तो कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है ताप का हमारा CGS पद्धति में मात्र क्या होता है, CGS पद्धति में बताना है आप लोग को, ताप का CGS पद्धति में मात्र क्या होता है। जैसे कि हमने SI पद्धति में केल्विन बताया, तो CGS पद्धति में ताप का मात्र क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रकाश की तीव्रता को और क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसका मात्र क्या होता है, कैंडेला होता है। प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको, CD से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर
एम्पियर, जो कि धारा का मात्रक एम्पियर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, ये आपको मालूम है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मालूम है। लंबाई का मात्रक मीटर, ये भी आपको मालूम है। यहाँ पे नाम के बारे में तो दिया है, ठीक है, फुट, पाउंड, सेकेंड, इनका यहाँ पे चिन्ह दिया कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। मौलिक इकाई तथा व्युत्पन्न इकाई दो मुख्य वर्ग हैं। यूनिट के दो मुख्य इकाई होती हैं, मौलिक इकाई एक हमारी व्युत्पन्न इकाई। लंबाई, भार, समय सभी पद्धतियों में एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस तथा पद्धतियों में मौलिक इकाइयां हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इकाई का चैप्टर, यहाँ पे फिनिश हो गया। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे सरफेस गेज, जो कल की क्लास में देखेंगे। अभी लेकिन हम लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था फाइल के बारे में, जैसा कि हमने कहा था ये चैप्टर आपका फिनिश होने के बाद फाइल के इंपॉर्टेंट जो रह गए थे वो यहाँ पे हम कवर कराएंगे। तो फाइल में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने टाइप्स, जो स्पेशल फाइलें हैं, रोटरी फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, बैरेट फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, है ना, और आपका मिल्सा फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, क्रॉसिंग फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। फिर भी हम आपका रिवीजन दो मिनट में करा देंगे। रेफरल फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, डाई सिंकिंग और इनग्रेविंग और सिल्वरी स्मिथी में हम करते हैं, है ना। तो ये रेफरल फाइल के बारे में हमने आपको बताया था। मिल्सा फाइल का यूज कहाँ करते हैं, मिल्सा फाइल का यूज हम जो फाइलें हम लकड़ी के कार्यों में यूज करते हैं उनके दांतों को अगर हमें शार्प करना है, उस फाइल के दांतों को अगर शार्प करना है तो मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। मिल्सा फाइल के जो फेस होता है उस पर हमारा सिंगल कट कटा होता है। और कहां पर यूज करते हैं मिल्सा फाइल का, हम प्रयोग लेथ मशीन में हम करते हैं, ठीक है, फिनिशिंग वर्क में करते हैं। तो ये मिल्सा फाइल के बारे में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने आपको बताया था क्रॉसिंग फाइल का इंपॉर्टेंट, इसे क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, इसे फिशबैक फाइल भी कहते हैं। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, लगभग अंडाकार जैसा होता है। और इसका यहाँ पे, और इससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसका दूसरा नाम फिशबैक फाइल होता है। ये आपकी कल क्लास में हमने ये सब आपको पढ़ाया हुआ था। बैरेट फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, तो कोनों को फिनिश करने के लिए या कोनों को शार्प करने के लिए या किनारों को शार्प करने के लिए बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। बैरेट फाइल में क्या होता है कि एक फेस हमारा समतल होगा, फ्लैट होगा बिल्कुल, जिसपे हमारे टीथ कटे होंगे, है ना, जो हमारा एक भाग समतल होगा। दूसरा फेस जो होगा वो तिकोना होगा, जैसे आप देख रहे हो ये तिकोना है, तो ये तिकोना फेस होता। तो ये हमारा कौन सा फिगर है, ये हमारी बैरेट फाइल है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी फाइल। रोटरी फाइल आपको हमने दिखाया था, टिंकर फाइल के बारे में बताया था। टिंकर फाइल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने के लिए हम टिंकर फाइल का यूज करते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। रोटरी फाइल के बारे में बताया था कि कास्टिंग किए हुए जॉबों के होल को फिनिश करने के लिए हम रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। कोई भी होल को फिनिश करना है रोटरी फाइल का प्रयोग करेंगे, या होल को बड़ा करना है तो रोटरी फाइल का प्रयोग करेंगे। और रोटरी फाइल का प्रयोग कहाँ और कहाँ पर करते हैं, लेथ मशीन के फोर्जा और लेथ मशीन में हम चक में पकड़कर यूज करते हैं, और ड्रिलिंग मशीन पर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर करते हैं इस फाइल्स का प्रयोग, हम डाई सिंकिंग माउल्ड नाप बनाने में भी करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जब डाई सिंकिंग और माउल्ड दोनों पूछा जाए तो हम लगाएंगे रोटरी फाइल। केवल डाई सिंकिंग पूछा कि डाई सिंकिंग में किस फाइल का यूज करते हैं, तो डाई सिंकिंग में हम रेफरल फाइल का यूज करते हैं। और ये कहाँ पर किस मशीन पर यूज करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन और जो मोटर इधर से उधर ले जा सकते हैं उसे हम पोर्टेबल मोटर कहते हैं, तो पोर्टेबल मोटर में हम इनको यूज करते हैं। ये इस टाइप का फिगर होता है रोटरी फाइल का। एग्जाम में ये भी फिगर दे सकता है आपकी कौन सी फाइल है, ये हमारी रोटरी फाइल है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोगों ने स्पेशल फाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हैंड फाइलिंग मशीन के मशीन फाइल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नया पढ़ रहे हैं, ऊपर जो पढ़ रहे थे वो रिवीजन। मशीन फाइल डबल कट की होती है, जो भी हमारी मशीन फाइल होती हैं, मशीन फाइल किस कट की होती है, तो मशीन फाइल हमारी डबल कट की होती हैं, जिसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होती है। इस प्रकार की फाइल आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतह की फाइलिंग के लिए करते हैं। तो जो हमारी मशीन फाइल होती है इसमें हमारा डबल कट होता है, ठीक है, नंबर एक पॉइंट ये है। और ये लंबाई तथा मशीन की क्षमता के अनुसार इस प्रकार की जो फाइल होती है, जो मशीन फाइल होता है, उसका हम आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतहों की फाइलिंग के लिए हम करते हैं। इसका मशीन फाइल का मुख्यतः प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो मशीन फाइल का मुख्यतः प्रयोग हम
डाई सिंकिंग तथा अन्य टूल रूम में कार्यों में करते हैं। तो मशीन फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं? मशीन फाइल का यूज हम डाई सिंकिंग तथा अन्य टूल रूम कार्यों में करते हैं। ये यहाँ पे मशीन फाइल का फिगर भी दिया है, ये तीनों फाइल का फिगर देगा अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी यहाँ पे ये फाइल है, ठीक है। तो ये मशीन फाइल का आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा। पिनिंग ऑफ फाइल के बारे में, ये यहाँ पे पिनिंग हो रही है, जबकि कोई हमारी फाइल है अगर उसमें पिनिंग हो गई है, धातुओं के कण फंस गए हैं, तो उसको हटाने के लिए हम कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फाइल है वो पिनिंग हो गई है, उसमें धातु के कण फंस गए हैं, तो उसको हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? कॉपर स्ट्रिप का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे कि पढ़ेंगे पिनिंग ऑफ फाइल के बारे में, क्या होता है कि रेतने के समय मतलब फाइलिंग करते समय फाइलिंग किए हुए दांतों के बीच धातु के चिप्स फंस जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी फाइल से हम फाइलिंग कर रहे हैं, तो उन टीथों के बीच में क्या है, जिसकी फाइलिंग कर रहे हैं, जिस धातु के, उस धातु के कण उस फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जिसे हम क्लॉगिंग ऑफ फाइल भी कहते हैं। यहाँ पर दिया होगा आगे, इसे हम पिनिंग ऑफ फाइल, दो नाम है इसके, पिनिंग ऑफ फाइल या क्लॉगिंग ऑफ फाइल, ठीक है, दो नाम आपको याद रखने। रेती जो पिन हो गई है, रेतन की जाने वाली सतह पर खरोच उत्पन्न करेगी तथा धातु को उचित रूप से नहीं काट सकेगी। जो भी फाइल है अगर पिनिंग ऑफ फाइल का हम यूज करेंगे तो इससे क्या दोष उत्पन्न होंगे, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि अगर कोई फाइल है वो पिनिंग ऑफ फाइल दोष से ग्रसित है, उसमें धातु के चिप्स फंसे हुए, अगर उसका हम यूज करेंगे तो क्या होगा। उसका यूज करने से ये होगा कि जो भी हम फाइल कर रहे हैं, जिस भी सतह की फाइलिंग कर रहे हैं, उस सतह पर खरोच उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, आपको निशान दिखाई देंगे तथा धातु को उचित रूप से काटेगा नहीं। तो ये दो दोष होते हैं अगर पिनिंग ऑफ फाइल का यूज करेंगे। नंबर एक दोष होगा कि सतह पर क्या होगा, खरोच उत्पन्न करेगा। दूसरा होगा कि वो कटाई नहीं करेगा। कटाई क्यों नहीं करेगा, उस पर हमारे धातु के चिप्स फंसे हुए, तो मटेरियल उसमें फंसेगा ही नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर पिनिंग ऑफ फाइल का दोष क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट दोष है कि रेतियों के पिनिंग को रेती ब्रश के उपयोग से हटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें रेतियों के पिनिंग को हटाना है तो हम किससे हटाएंगे, हम ब्रश से हटाएंगे। अगर ऑप्शन में ब्रश नहीं दिया है तो हम वहाँ पर कॉपर स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिगर में इन्होंने दिया भी है। रेती ब्रश को पिन की हुई रेती की सतह की ओर दाएं और बाएं खींचकर हटाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिगर भी हो सकता है आपको दिया है, जैसे इन्होंने ये फाइल ब्रश का यूज कर रहे हैं और ये दाएं बाएं मूवमेंट करके इन्होंने कहा क्या कि फाइल ब्रश को पिनिंग की हुई रेती की सतह पर हम दाएं और बाएं खींचकर क्या है, चिप्स को हटाएंगे, जो यहाँ पे धातु के चिप्स फंस गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रेतियों में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते हैं, उसे निकालने के लिए पीतल या कॉपर के टुकड़े के द्वारा निकाला जाता है। मतलब ये फाइल ब्रश के माध्यम से हम चिप्स हटा तो लेते हैं, लेकिन इससे हम क्या है, आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। रेतियों में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते हैं, उसे निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रास या कॉपर के टुकड़े का यूज करते हैं। ब्रास मीन्स पीतल का यूज करते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉपर की स्ट्रिप का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नए रेती को साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नए रेती को साफ करने के लिए हम मुलायम धातु यानी ब्रास और कॉपर का पार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो नई रेती अगर हमारी पिनिंग ऑफ फाइल से ग्रसित है, या कह सकते हैं कि नई फाइल है हमारी, हम यूज कर रहे थे और उसमें पिनिंग हो गई है, तो उसको हम साफ करने के लिए हम मुलायम धातु यानी ब्रास और कॉपर पार्ट का उपयोग करेंगे। नए रेती को साफ करने के लिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम कॉपर स्ट्रिप का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्टील फाइल कार्ड से साफ करने से स्टील का कटिंग एज खराब हो जाता है। अगर हम जो फाइल कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर हम फाइल कार्ड किसका यूज करेंगे, अगर वो स्टील का है, तो स्टील का फाइल कार्ड यूज करने से, साफ करने से रेती का कटिंग एज क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें स्टील का फाइल कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। कार्यखंड की चिकनी कार्यखंड मतलब जॉब, चिकनी मतलब फिनिश, तो जॉब की फिनिश सरफेस पर रेतने फाइलिंग करते समय अधिक पिनिंग होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिक पिनिंग कब होगी, सबसे अधिक पिनिंग कब होगी, क्योंकि जब हम जॉब को फिनिश कर लेते हैं और हम फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल महीन महीन कण
टूटते हैं, महीन महीन बिल्कुल महीन सा बुरादा कण निकलता है। जब आप स्टार्टिंग में फाइलिंग करते हो तो मोटे मोटे उसके कण निकलते हैं, इसीलिए फिनिंग जो सबसे ज़्यादा चांस जो होंगे जब छोटे छोटे कण होंगे तो फाइलों के दांतों के बीच में जल्दी फंसेंगे। तो यही कारण है कि पिनिंग ऑफ फाइल सबसे अधिक कब होगी, जब हम फिनिश किए हुए जॉब पर फाइलिंग करेंगे, है ना। जब हमारा कैसा होगा जॉब, फिनिश चिकनी परिष्कृत फिनिश सरफेस पर जब हम फाइलिंग करेंगे उस समय हमारी अधिक पिनिंग होगी। अधिक पिनिंग मतलब अधिक वहाँ पे दांत अधिक चिप्स फंसेंगे दांतों के बीच में, क्योंकि दांतों के पिच तथा गहराई कम होती है ना, क्योंकि दांतों के पिच और गहराई कम होती है तो वहाँ पे जब छोटे छोटे चिप्स होते हैं तो जो बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। पिन की हुई सतह पर तांबे या पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए रेती को साफ किया जाता है। तो जो यहाँ पे पिनिंग हो गई है अब उसको साफ करने के लिए किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉपर का और यहाँ पे ब्रास की स्ट्रिप या पट्टी का यूज करेंगे, ठीक है, किसको, पिनिंग ऑफ फाइल को हटाने की। जैसे कि इन्होंने यूज किया है ब्रास या कॉपर की एक पट्टी लिया, टुकड़ा लिया, उससे यहाँ पर इन्होंने साफ किया जा रहा। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेती के फलक पर चाक के अनुप्रयोग से दांतों के भेदन तथा पिनिंग को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। रेती के फलक पर चाक के अनुप्रयोग से दांतों के भेदन और पिनिंग को कम करने में मदद करेगा। इसमें एग्जाम में कैसे पूछता है कि बताइए फाइल के फेस पर हम चाक क्यों लगाते हैं, ये आपका निमी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिलेगा कि फाइल के फेस पर हम चाक क्यों लगाते हैं या चाक लगाने का क्या फ़ायदा होता है। तो चाक लगाने से ये होता है कि हमारा दांतों का भेदन तथा पिनिंग को कम करने में मदद करेगा। मतलब कि अगर हम फाइल के फेस पर चाक लगाएंगे तो इससे हमारा फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, टीथ हमारे कब उसमें धंसेंगे, भेदन होगा कब, मतलब अच्छे से हमारा कटिंग प्रक्रिया होगी। जब फ्रिक्शन कम होगा तो अच्छे से हमारी कटिंग क्रिया होगी। पिनिंग कम होगी मतलब कि दांतों के बीच में हमारे जो चिप्स है धातु की वो फंसेंगे नहीं, और जैसा कि फर्स्ट वाला पॉइंट है दांतों के भेदन में मदद करेगा ना, अच्छे से कटिंग क्रिया होगी, ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होगा, है ना। और फिर फ्रिक्शन होने पर क्या होता है कि आवाज़ होने लगती है। समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को साफ करना चाहिए, समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट था आपका, ये दूसरा था आपका, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा फाइल के फेस पर हम चाक का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो फाइल में पिनिंग है वो कम हो सके और जो दांतों का भेदन है वो अच्छे से, मतलब कि वो भी हमारा कम हो, ज़्यादा टीथ वहाँ पे फंसे नहीं, क्योंकि ज़्यादा टीथ हमारे जॉब के बीच में फंसेंगे, चिप्स के बीच में फंसेंगे तो फिर वहाँ पे भी हमारी पिनिंग की ज़्यादा संभावनाएँ हो जाती हैं और फ्रिक्शन भी हमारा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फाइल के रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा पॉइंट है, जिस रेती के कटिंग एज कुंद हो गए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारी फाइल है उसके कटिंग एज हमारे कैसे हो गए, ब्लंट हो गए, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फाइल धकेलते समय पुश स्ट्रोक में काटती है। तो ये भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फाइल हमारी किस स्ट्रोक में काटती है, पुश में या पुल में। तो जब हम फाइल को धकेलते हैं मतलब कि क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी क्या मटेरियल रिमूव होती है। और जब फाइल को खींचते हैं, जब हम पुल स्ट्रोक करते हैं, खींचते हैं, तो उस समय हमारा मटेरियल कटता नहीं है और उस समय हम दबाव भी नहीं देना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि फाइल धकेलने आघात पर काटती है, जब हम पुश स्ट्रोक करेंगे तब मटेरियल कटेगा, और कभी भी खींचते समय, जब हम पुल स्ट्रोक करेंगे खींचते समय दबाव नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हम किस स्ट्रोक में हम प्रेशर नहीं लगाते हैं, पुल स्ट्रोक में या पुश स्ट्रोक में। तो जब हमारा मटेरियल नहीं काटना होता है उसमें क्या है कि जब हम पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उस समय हम प्रेशर को हटा लेते हैं क्योंकि उस समय हमें मटेरियल रिमूव नहीं करना होता है। मटेरियल हम रिमूव करते हैं केवल पुश स्ट्रोक में, जब हम आगे की ओर धकेल रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हम जब
फाइल को खींचते हैं, खींचने का मतलब कि यहाँ पे पुल करते हैं, पुल स्ट्रोक देते हैं, तो उस समय हम प्रेशर क्यों नहीं देते हैं, और दूसरा कारण कटिंग क्रिया क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल सी बात है कि अगर हम प्रेशर देंगे तो कटिंग भी होगी, तो लेकिन ऐसा करते क्यों नहीं है, इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो फाइल के जो टीथ हैं वो दबेंगे जॉब पर, और जो फाइल के टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग जब हम फाइल को वापस ला रहे होते हैं उस समय हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो एग्ज़ाम पूछेगा कि बताइए पुल स्ट्रोक में हम प्रेशर दबाव क्यों नहीं देते हैं या प्रेशर क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसलिए अगर लगा देंगे तो फाइल के जो टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे, कुंद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा हमें प्रेशर देना चाहिए केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में, केवल आगे की ओर जाते समय हमें प्रेशर देना चाहिए। पिनिंग से बचना चाहिए, ये फाइल के बारे में बताया गया कि पिनिंग ऑफ फाइल से बचना चाहिए। रेती को लंबे समय तक बिना प्रयोग के रखते समय उसके दांतों पर हल्का सा तेल या और ब्रश मार देना चाहिए, ठीक है। ऑयल ब्रश का यूज यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूज कर देना चाहिए जब भी हम रेती को लंबे समय तक बिना प्रयोग के रखते समय उसके दांतों पर। जब भी आप देखोगे, जब भी हम फाइल लंबे समय के लिए रखते हैं, कोई भी टूल, कटिंग टूल रखते हैं, तो उसमें हम ऑयल लगा देते हैं, प्रॉपर जंग वगैरह ना लगे। साधारण फाइलिंग करते समय ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब भी हम साधारणता फाइलिंग कर रहे हों उस समय हम ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेतियों का भंडारण करते समय सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके फेस आपस में न टकराएं तथा अन्य टूल्स भी न टकराएं, ठीक है। तो रेतियों का जो फाइल है उनका अगर हम भंडारण कर रहे हैं तो हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके जो फेस हैं वो आपस में नहीं टकराने चाहिए, क्योंकि अगर आपस में टकराएंगे तो फिर उनके टीथ भी खराब हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर रेती की कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स क्या होती है, अधिकांश रेतियाँ लंबाई में फलक पर हल्की उभार के लिए होती हैं, मतलब अधिकतर जो हमारी फाइल होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके फेस जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये हमें रखना भी चाहिए। तो अधिकांश जो हमारी फाइलें होती हैं उनके फेस पर हल्की उभार होती है, जिसे हम कन्वेक्सिटी कहते हैं, उत्तलता कहते हैं हिंदी में। इसे रेती का टेपर नहीं समझना चाहिए। जो रेती का ये जो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स है, जो बीच में उभरा हुआ होता है, इसे हमें क्या नहीं समझना चाहिए, इसे हमें टेपर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। फ्लैट फाइल में उत्तल फलक होती, जो हमारी चपटी रेती होती, चपटी मतलब फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल में जो हमारी उत्तल फलक होती है तथा इसकी चौड़ाई एवं मोटाई में हल्का सा टेपर होता है। तो जो हमारी लगभग हर फाइल में हमारा बीच का भाग उभरा हुआ होता है, जिसे कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। और कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जाता है कि हम फाइल में कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्यों रखते हैं, या हम फेस बीच में दांतों में उभार क्यों रखते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों रखते हैं। यदि रेती मोटाई में समांतर हो, यदि फाइल कैसी हो मोटाई में हमारी समांतर हो, तो सभी दांत कर्तन करेंगे, इससे काटने के नीचे की ओर अधिक और आगे की ओर भी अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। अगर फाइल में के फेस के बीच में अगर हम उभरे हुए नहीं रखेंगे, बिल्कुल फ्लैट फाइल रखेंगे, है ना, जो रेती की मोटाई है बिल्कुल समांतर होगी, पैरेलल होगी, बिल्कुल भी बीच में उभरी हुई नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि सभी दांत हमारे कटिंग क्रिया करेंगे, और जब सभी दांत कटिंग क्रिया करेंगे तो इससे ये होता हमारा प्रेशर की अधिक ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि अधिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि हमें कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल अगर यूज नहीं करते तो उसका फिर दोष क्या होगा, उसका दोष ये होगा कि हमें वहाँ पर अधिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फाइल का जो फेस है, जितने भी टीथ हैं वो सारे फाइल के टीथ वो जॉब के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे, मतलब कि सभी दांत जो है कर्तन क्रिया कर रहे होंगे। जब उभरे हुए होंगे तो फिर हमारा क्या है, केवल बीच वाला जो उभरा हुआ मटेरियल है वो काट रहा होगा, फिर धीरे धीरे हमारा जो लेफ्ट एंड राइट में जो हमारे टीथ होंगे वो हल्का हल्का मटेरियल काट रहे होंगे, प्रॉपर वो एक साथ दांत एक समान नहीं काट रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यूनिफॉर्म मोटाई पर नियंत्रण रखना अधिक कठिन होता है, मतलब कि अगर हमें एक समान कटिंग क्रिया रखनी है,
ठीक है, एक समान अगर कटिंग क्रिया करनी है तो उसमें हमारा कन्वेक्सिटी या फाइल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी कन्वेक्सिटी या फाइल्स नहीं है तो उस केस में हम क्या है बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसी हम कटिंग क्रिया नहीं कर सकते हैं। ये कठिन होता है ना कि बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेसी में हम एक ही दिशा में बिल्कुल समांतर बैलेंस बना के फाइल कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं होता। यूनिफॉर्म मतलब कि एक समान। नेक्स्ट है कि समांतर मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होना चाहिए। क्या यहाँ पर कहा गया कि समांतर मोटाई वाली जो फाइल होती है, समांतर मोटाई वाली फाइल समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए, लेकिन हाथ के ऊपर नीचे होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं होता है। ये भी यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारी फाइल कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल नहीं है, मतलब कि जो टीथ हैं बिल्कुल क्या है पैरेलल है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की तरह, कि अगर हमारे फाइल के जो टीथ हैं या फाइल की मोटाई है वो बिल्कुल क्या है पैरेलल हैं, तो ऐसे में अगर हम किसी भी सतह को रेतेंगे और हम समतल सतह बनाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में समतल सतह नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उस समय हमारे एक हाथ आगे रहता है एक हाथ पीछे रहता है, तो उसमें जो हम प्रेशर लगाना चाहते हैं वो बराबर नहीं लग पाता है। तो ये इन्होंने कहा है कि जो हमारा हाथ का एक हाथ के ऊपर और नीचे होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो इस कारण से ये संभव नहीं हो पाता और हमें कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल से भी आप समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि रेती को समांतर फलक बनाया जाए तो ऊष्मा उपचार करते समय एक फलक पर ऐठन हो सकती है और अवतल हो सकता है, वह रेती समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। ठीक है, फ्लैट फाइल हमारी क्या है बिल्कुल पैरेलल समांतर हमारी हीटेड मंड के माध्यम से बन भी नहीं पाता। ये भी युग कहना चाह रहे हैं कि यदि फाइल को हम समांतर फेस वाला बनाया जाए, बिल्कुल पैरेलल अगर हम फाइल बना रहे हैं हीटेड मंड के द्वारा, तो उससे क्या होगा कि उस समय हमारी एक फेस एक फलक पर ऐठन हो सकती है, मतलब कि तिरछा हो सकता है और अवतल हो सकता है, मतलब कि हम अगर फाइल को पैरेलल बना भी रहे तो वो भी हम प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल पैरेलल दांत को नहीं बना पाएंगे, वह रेती समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। तो वो जो फाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो समतल फाइल के लिए बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट है कर्तन फलक के उत्तल होने से कार्यखंड के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक छीलन निकालने से बचाव होता है और समतल सतह को रेतना आसान होता है, कर्तन धार पर उत्तलता देनी चाहिए। इसमें इन्होंने ये पॉइंट कहा है कि जब भी हम कर्तन फलक के उत्तल होने से कटिंग फेस अगर हमारा कैसा है कन्वेक्स है उभरा हुआ है, फाइल का फेस कैसा है उभरा हुआ है, तो उभरे हुए होने से जॉब के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक छीलन निकालने से बचाव होता है, मतलब कि इसमें प्रॉपर हमारा अनियमित कटिंग क्रिया नहीं होती, प्रॉपर जैसा हम कटिंग क्रिया करते हैं वैसा होता है। तो जॉब के सामने वाले भाग और पिछले हिस्से में इससे अत्यधिक मटेरियल हमारा रिमूव होने से बचाव होता है और समतल सतह को रेतना आसान होता है। ठीक है, अगर हमें समतल सतह को रेतना है तो हम किस फाइल का यूज करेंगे, कन्वेक्सिटी या फाइल का यूज करेंगे, मतलब कि उसमें दांत के टीथ कैसे होने चाहिए उभरे हुए होने चाहिए। अगर दांत के टीथ उभरे हुए नहीं होंगे, कन्वेक्सिटी या फाइल नहीं होगी, तो हम समतल सतह की फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ऊपर हमने बताया कि उसमें एक हाथ हमारा आगे पीछे होता है, एक तो उसमें बैलेंस हमारा नहीं बन पाता है। कर्तन धात पर उत्तलता देते हुए है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर कर्तन धार पर हमारा कन्वेक्सिटी देना चाहिए, दांतों के बीच में उभार देना चाहिए। ये कन्वेक्सिटी या फाइल्स का यहाँ पे फिगर भी दिया, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये फाइलिंग के पिनिंग ऑफ फाइल और कनेक्टिंग ऑफ फाइल कन्वेक्सिटी या फाइल के यहाँ पर उद्देश्य क्या क्या होते हैं वो भी हमने आपको बताया, और मेजरमेंट एंगल के बारे में आपको पढ़ाया, एंगल है ना कि आपका बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन सेट में कितने हेड होते हैं, किस में हमारा स्प्रिट लेवल नहीं लगा होता है, किस में हमारा स्क्रैबर लगा होता है, क्या लिस्ट काउंट होती है, तो ये भी हमने आपको आज की क्लास में फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस गेज। तो कल की क्लास वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जब भी क्लास होगी 6-7-8 PM के बीच में आपकी क्लास होती है तो बेल आइकन ऑन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और क्लास जैसे भी लगी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।